तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग का फिर स्वागत है नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज जागरेब से हम लोग काफ़ी जो है कि बाहर आए हुए हैं सी एरिया में, तो कम से कम 300 से 400 किलोमीटर दूर हम लोग आ गए। तो अभी देखिए हम लोग एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं, यहाँ पे ग्रिल हो रहा है, बड़े बड़े जो है कि काबू लाओ पिक और जो है कि बकरे वकरे सब जो है कि ग्रिल हो रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे रेस्टोरेंट में, उसके बाद जो है कि हम चलेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगा कैसा है यहाँ पे, तो अच्छी जगह है, अच्छी लोकेशन है। आज हम लोग जागरेब से बाहर में हूँ और आ गया हूँ फिर से समुद्र किनारे, समुद्र का लहरों का आनंद लेते हुए। तो यहाँ पे जो है कि अभी कोई भी टूरिस्ट नहीं है, पूरा बंद है, सब रेस्टोरेंट होटल एरिया सब टोटल बंद है और हम लोग का काम यहाँ पे शुरू हो चुका है। और हम लोग रहने वाले हैं अभी यहाँ पे कम से कम 4 से 5 महीने, यानी कि हम लोग यहाँ से 4-5 महीने रहने वाले हैं और ठंडी ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए। तो चलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ का सैर कराते हैं, यहाँ पे कैसा है, क्या है, कितने लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, कितने लोग नहीं घूम रहे हैं, टोटल ही सारी चीज़ें जो है कि आज इस वीडियो में दिखाएंगे आप लोगों को। और आज आपको जो है कि अपना अपार्टमेंट भी दिखाएंगे कि हमारा अपार्टमेंट कैसा है, कहीं पर जाते हैं काम करने के लिए तो कैसा अपार्टमेंट मिलता है। तो चलते हैं अभी दूसरी तरफ और दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू कैसा व्यू है यहाँ का, और मस्त जो है कि समुद्र के लहरों के बीच में जो है कि हम लोग आके बैठे हुए हैं और हमारा काम है, पर हमें काम करना ही है। दोस्तों काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ का देखने को, और काफ़ी आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ लहरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा अंधेरा हो चुके हैं और अभी चलते हैं आपको और दिखाते हैं, अपना दूसरी तरफ चलते हैं कि क्या है, ठीक है ना। तो सीढ़ियों से चलते हुए और जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, सामने वाली बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं, पूरा मेंटेनेंस काम है और हम लोग को जो है कि खाने पीने का टोटली व्यवस्था इधर ही है। देखिए अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, अपना सुपर मर्सिडीज, और ये रहा व्यू यहाँ का, पूरी बंद है, कोई नहीं है घर के अंदर, घर पूरा खाली है, रोड भी खाली है, देखने को कोई नहीं मिलता है यहाँ पे। इधर भी देखिए, इधर भी कोई देखने को नहीं मिलता, बंद हो गया। तो दोस्तों आज जो है कि हम लोग आए हैं जागरेब से बाहर और हम लोग को देखो ए रूम मिला है, ए बेड मिला है मुझे सोने के लिए स्पेशल, देखो कितना और बेहतरीन। हम लोग 3 बंदे हैं फिलहाल और 3 बंदों के लिए डबल बेड है, इस पर 2 लोग सो सकते हैं और इस पर 2 लोग सो सकते हैं, और साथ में एक छोटी सी यहाँ पे एक फ्रिज है और एक टीवी है। आज लेट हो गया हम लोग को आने के लिए, पर कोई बात नहीं, दिन में भी हम आपको इसका विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि हमारा रूम कैसा है। तो फिलहाल देखिए कितना इतना स्टैंडर्ड, इतना वीआईपी होटल है, हमको रूम मिला है रहने के लिए। हम कभी भी जब हम जागरेब से बाहर जाते हैं काम करने के लिए तब हमको ऐसे फैसिलिटी मिलती है। बाकी जागरेब में तो जो हमारा परमानेंट जो हमारा अपार्टमेंट है वो तो वही है, लेकिन अगर हम जागरेब से बाहर जाते हैं तो ऐसी ही फैसिलिटी मिलती है। देख लीजिए आप लोग कैसा फैसिलिटी मिलती है। तो हम लोग तो काम करने वाले हैं, हम लोग कपड़े को ऐसे ही गंदे हैं, नहाएंगे, अभी धोएंगे, उसके बाद ही सोएंगे इस पर। तो फिलहाल अभी
और बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ कि सब बालकनी कैसा है यहाँ पे थोड़ा सा। तो काफ़ी यहाँ पे देखिए टेरिस भी है और रूम भी है और साथ में इसके पीछे समुंदर भी है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ का देखने के लिए। मैं आपको कल एक दो दिन में दिखाऊंगा कि यहाँ का जो है कि कैसा लोकेशन है, तो अभी पर्दे लगा देते हैं क्योंकि अभी रात हो गया है। देखिए यहाँ पे बाकी अंदर चलते हैं टॉयलेट में, टॉयलेट की फैसिलिटी दिखा देते हैं। तो काफी देखिए इतना सुंदर है बाथरूम, और साथ में देखिए टॉल भी मिला है, सब कुछ मिला है। तो टोटल ही व्यवस्था ठीक ठाक है हमें रहने के लिए। चलते हैं अभी थोड़ा स्नान करेंगे उसके बाद नहाएंगे।